फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल बॉर्डर डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए फंदे 3 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। तो चलिए, इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो राइट साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे। मैं पहला फंदा स्लिप करती हूँ, फिर देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, 1 2, दो फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को आगे लाएंगे। देखिए, पहला फंदा स्लिप किए, एक फंदा सीधे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाना है, फिर ऊन को अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, 1 2, दो फंदे उल्टे, फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट करना है। दो फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, पूरी रो ऐसे ही करते जाना है। दो उल्टे एक सीधा, दो फंदे उल्टे और लास्ट में देखिए दो फंदे सीधे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई जो फंदे इधर से उल्टे गए हैं, बुने गए हैं, रॉन्ग साइड से उन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो देखिए, दो फंदे इधर से सीधे हैं तो दो फंदे रॉन्ग साइड से उल्टे बुने जाएंगे, दो उल्टे। फिर देखिए, दो फंदे उल्टे हैं तो रॉन्ग साइड से दो फंदे सीधे बुने जाएंगे, दो फंदे सीधे। उनको अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा राइट साइड से सीधा है तो रॉन्ग साइड से उस फंदे को उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे राइट साइड से उल्टे हैं तो इन दो फंदों को रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे, तो दो फंदे सीधे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा ऐसे बुनते जाना है। दो रॉन्ग साइड से दो फंदे सीधे हैं और एक फंदा उल्टा, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको ऐसा ही बनाते जाना है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। अब आ जाइए राइट साइड तीसरी सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, जो दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उसको उल्टा बना लेंगे। देखिए, फिर एक फंदा सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बुनेंगे। जो फंदा जैसा दिखता है उसको ऐसे ही बनाना है। दो फंदे उल्टे हैं और एक फंदा सीधा है, ऐसे बना लेना है। दो उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा है, सीधा बुनेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं, उल्टे बुनेंगे। ऐसे पूरी रो कंप्लीट करनी है, जो फंदा जैसा दिख रहा है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, चौथी सिलाई। तो देखिए, दो फंदे उल्टे हैं तो उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदा उल्टा, फिर देखिए दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा है उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे। चौथी सिलाई में एक फंदा उल्टा है और दो फंदे सीधे आएंगे। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसको वैसे ही बनाते जाना है, एक उल्टा दो सीधा, ऐसे चौथी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए, चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए पांचवी सिलाई, राइट साइड। राइट साइड पांचवी सिलाई, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा क्या करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, एक फंदा सीधा है, इसको अभी बुनना नहीं है। अब दो फंदे उल्टे और एक फंदा ये सीधा, एक फंदा ये जो सीधा है तो इसको देखिए क्या करना है। तीन सिलाई नीचे जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, एक चौथे चौथे होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक लूप निकालेंगे, ऐसे थोड़ा सा ढीला निकालना है और फिर इसको इस सिलाई पे ऐसे कर देंगे। और देखिए, एक सीधा वाला जो फंदा है और ये लूप वाला, इन दो फंदों को पीछे साइड से ऐसे बुन लेंगे। फिर उनको आगे लाएंगे और दो फंदे जो उल्टे हैं इसको तो ऐसे उल्टा बना लेना है, इसको ऐसे उल्टा बना लेना है। फिर उनको पीछे ले जाएंगे, उनको पीछे ले जाएंगे। अब देखिए, ये वाला जो फंदा है ये सीधा फंदा है
और दो उल्टा, ये दो उल्टा फंदे को छोड़ के ये जो सीधा फंदा है, देखिए सीधे फंदे के ऐसे चौथे नंबर होल में जाएंगे, जैसे तीन सिलाई नीचे जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें सिलाई कुल डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें सिलाई डाल के और एक ऐसे लूप निकालेंगे, इस तरह से ऐसे लूप निकालिए, फिर इसको इस सिलाई पे करेंगे और ये सीधा वाला फंदा और ये लूप दोनों को बैक साइड से दोनों को ऐसे बोल देंगे इस तरह से, देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। फिर ऊन को आगे लाएंगे और दो फंदे जो उल्टे हैं उसको तो उल्टा बना लेना है, ऐसे उल्टा बना लेंगे, फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे और देखिए फिर ऐसे इस सीधे वाले में नहीं, ये सीधा वाला फंदा छोड़ देंगे, फिर दो फंदे ये और उल्टे वाले, फिर ऐसे नीचे जाएंगे, तीन सिलाई नीचे चौथे वाले होल में से ऐसे फंदा निकालेंगे और इसको इस सिलाई पे करेंगे और बैक साइड से दोनों को एक फंदा ऐसे बना लेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, दो फंदे जो उल्टे हैं इसको उल्टा बना लेना है इस तरह से, ऐसे उल्टा बना लेंगे, फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे और फिर देखिए फिर ऐसे सीधे वाले, सीधा वाला जो फंदा है ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इस चौथे नंबर होल में जाएंगे यहाँ और फिर यहाँ से एक लूप निकालेंगे ऐसे, और इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे इस सिलाई पे लेफ्ट वाली पे करेंगे और ये सीधा वाला फंदा ये लूप दोनों को बैक साइड से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर उनको आगे लाएंगे, उल्टे फंदे हैं इसको उल्टा बना लेंगे, बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड ये बॉर्डर, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर देखिए यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे और इस तरह से फिर इस पे करेंगे, ऐसे ही पूरी रो करते जाना है, अब देखिए फिर उनको ऐसे दो उल्टे बनाने के बाद उनको पीछे ले जाएंगे, अब देखिए लास्ट वाला ही डिजाइन है, अब फिर ऐसे यहाँ से ऐसे डालेंगे, 1 2 3 4, चौथे नंबर होल में ऐसे सिलाई को डालेंगे और इसमें एक लूप ऐसे निकालेंगे और एक सीधा फंदा ये लूप दोनों को बैक साइड से ऐसे बुन लेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, दो फंदे जो उल्टे हैं इसको उल्टा बना लेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे और फिर देखिए लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो, अब आ जाइए रॉन्ग साइड की रो छठी सिलाई, तो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है, चाहे तो आप इसी कलर से अगर ऊपर बनाना चाहती हैं तो इसी कलर से, अगर दूसरा कलर लगाना चाहती हैं तो दूसरे कलर से ऐसे उल्टा उल्टा बुन के एक सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेना है, और इसके ऊपर आप कोई भी डिजाइन डाल सकती हैं। देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत सा बॉर्डर बन के तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।